हैं साथियों, जितने साथी लाइव जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी। घटना वही हाथरस की है। क्या कहूँ मैं उसके ऊपर। हाथरस के सांसद, भाजपा के सिटिंग सांसद राजवीर सिंह दिलेर चाय पीने के लिए अलीगढ़ की जेल में जाते हैं, उस जेल में जहाँ पर हाथरस के बलात्कार के आरोपी हैं। चाय पीनी थी, पीड़िता के घर भी जा सकते थे, पर वहाँ तो मातम था, वहाँ चाय कैसे पीने जा सकते थे। इस चाय ने तो देश बर्बाद कर दिया है। और राजवीर सिंह दिलेर को ही क्यों दोष दें। याद है आपको, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, सांसद जीते थे, किसका धन्यवाद करने गए थे उन्नाव की जेल में। बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो दोषी करार दिए गए, उम्र कैद उनको मिली, उनका धन्यवाद करने वो जेल गए थे। तो राजवीर सिंह ने तो वही जो भाजपा हमेशा करती है, उसके सांसद वही काम किया, उन्होंने वो मिलने चले गए। योगी आदित्यनाथ ने खुलासा, चर्चा हुई अभी न्यूज 18 और बहुत चैनल पे मैं लाइव रही, खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ, उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। राजवीर सिंह दिलेर को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत अलीगढ़ की जेल में जाना पड़ा बलात्कारियों को मिलने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ही मजबूरन 2:30 बजे उन्नाव जो हाथरस की पीड़िता को जो है वो अंतिम संस्कार कर देना पड़ा, पेट्रोल डालकर, बिना परिवार की सहमति के, उनकी उपस्थिति के। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, आप समझ रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि आरोपियों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो उस गांव में पीड़िता के घर के बाहर पुलिस की उपस्थिति में उन्हें धमकाने का काम करते हैं। पुलिस की उपस्थिति में धमकाया जा रहा है। ये मामला अलग कैसे है, बलात्कार तो बलात्कार है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, फर्क नहीं है, बलात्कार तो बलात्कार है। एक देश है, एक ही बेटियां हैं हमारी सारी, एक ही कानून, एक ही न्याय होना चाहिए। लेकिन यहां बलात्कार अलग नहीं है, बलात्कार के पहले और बाद की जो कार्रवाइयां हैं सरकार, पुलिस और प्रशासन की, उस पे सवाल उठ रहे हैं। मैं खुद अपने बहू से कहती हूं कि राजस्थान के बारा में बारी बारी राजस्थान राजस्थान बारा बारा, बलात्कार अलग नहीं है, कार्रवाइयां। मैं कहूंगी अजय बिष्ट को, राम मंदिर तो अयोध्या में उत्तर प्रदेश में बना है, लेकिन जो राम राज है वो राजस्थान में अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार में देखने को मिलेगा। क्यों प्रधानमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी को नहीं कहा कि आप बारा या जो राजस्थान में हो रहा है उसमें SIT गठन करिए, क्यों अजय बिष्ट को कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार न्याय कर रही है, वहां SIT की जरूरत नहीं है। वहां CBI की मांग भी विपक्ष के नेताओं ने, वसुंधरा राजे ने अपना महल नहीं छोड़कर मांग की कि CBI बिठाइए अशोक गहलोत जी। स्मृति ईरानी नहीं गई, मेनका नहीं गई, मीनाक्षी नहीं गई, हेमा मालिनी नहीं गई, रीटा बहुगुणा नहीं, कोई नहीं गया जो ये मांग करे कि आप CBI बनाइए। राजस्थान की हाई कोर्ट ने भी अपने आप से संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है वहां राम राज है, वहां सरकार बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सरकार, पुलिस, प्रशासन बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। ये अंतर है, अंतर बलात्कार में नहीं है जो कहते हैं, अंतर कार्रवाइयों में है कि कहां सरकार किसके साथ, किसके विधायक, किसके सांसद, किसके साथ खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपसी रंजिश बताया जा रहा है, चलिए मानते हैं आपसी रंजिश है, लड़ाई होती है, हाथापाई हिंसा होती है, जान चली जाती है। कितने ऐसे मामलों में अजय बिष्ट सरकार ने लाखों रुपया दिया हो, किसी को घर दिया हो, सरकारी नौकरी दी हो, या आपसी रंजिश में मौत हो गई हो तो रात को 2:30 बजे जाकर लाश को पेट्रोल से डालकर सरकार खुद ही पुलिस फूंक दे। कोई तो उदाहरण एक बताइए, कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। परिवार बार बार कह रहा है कि DM घर पे आकर हमसे बयान लेकर जबरन हमारा हस्ताक्षर करवा गए हैं। लगातार पूरी की पूरी भाजपा बलात्कार ही नहीं हुआ, मैं आपको साफ बता रही हूं, जिनकी माँ बहन बेटियां हैं, 5 साल की बच्ची हो, 70-80 साल की बूढ़ी माँ हो, नोचा जा रहा है। दिल्ली की ही 80-90 साल की माँ की कहानी है, नोचा गया है 5 साल की बेटी। तो सुन लीजिएगा, निर्भया के बाद
आईपीसी की धारा में ये लिखा है कि बेटियों के अस्मिता पर हाथ डालने वाला, उसके कपड़े फाड़ने वाला, उससे बलात्कार का प्रयास भी अगर किया जाता है, प्रयास की बात कर रही हूँ, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यहाँ क्या एडीजी बोल रहे हैं, यहाँ क्या अजय बिस्ट सरकार बोल रही है, भाजपा बोल रही है बलात्कार हुआ ही नहीं है, जबकि अलीगढ़ मेडिकल रिपोर्ट में यह आया है कि हाथरस की बेटी के प्राइवेट पार्ट्स में चोटें थी। एडीजी क्या कह रहे हैं, फोरेंसिक जांच में बलात्कार नहीं आ रहा है। अलीगढ़ मेडिकल और बाकी डॉक्टर जो एम्स के, वो ये बता रहे हैं कि अगर सैंपल, कपड़ों के सैंपल को 10 दिन के बाद जांच के लिए, फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा तो उसमें कभी भी साबित नहीं होगा, पर ये नहीं कहा जा सकता बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन सैंपल में 10 दिन के बाद उसको साबित करना मुश्किल होता है। मैं आपसे कह रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आपको वोट चाहिए थे, आपने इन्हीं दलितों को पीएमओ में बुलाकर, इनके पांव में बैठकर इनके पांव धोए थे, और आज आपके नेता, आपकी सरकार हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई है, हाथ धोकर। हम राजनीति नहीं करना चाहते, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, शर्म आती है पर उन लोगों पर जो कहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत वहां जा रहे हैं। मीडिया को क्यों रोका, पीड़िता की वकील को क्यों मिलने से रोका, वो तो कोई पॉलिटिकल टूरिज्म पे नहीं जा रहे थे। निर्भया के टाइम पर, समय पर जो चूड़ियां तोड़ी जा रही थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को समय कोसा जा रहा था, हमने तो नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, फोटो ऑप हो रहा है। संवेदनशीलता थी, समझ रहे थे उसकी गंभीरता को। मैं आपसे कहूंगी, सवाल कीजिए कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ के हमारे, मैं अपने आप ही सवाल अपने आप से करके आपको, क्योंकि आपके मन में हो सकता है ये सवाल हो कि अलका लामा राजस्थान 12 पे क्यों नहीं बोली, मैंने जवाब दिया। अलका लामा छत्तीसगढ़ के मंत्री ने जो कहा, छोटा घटना है अगर छत्तीसगढ़ में बलात्कार होता है, मैं थी, बोला कोई बलात्कार छोटा बड़ा नहीं है। लिखित में छत्तीसगढ़ के हमारे मंत्री ने माफी ही नहीं मांगी, खेद ही नहीं जताया, सफाई भी इस बात को दी कि उन्होंने ये नहीं कहा था बलात्कार हाथरस का बड़ा और यहाँ का छोटा, उन्होंने ये कहा था कार्रवाई जो है जो वहां होनी चाहिए उससे बड़ी कार्रवाई यहाँ हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह मुख्यमंत्री 15 साल रहे, SIT की मांग की, CBI की मांग की, मुख्यमंत्री के घर के आवास के बाद प्रदर्शन किया, पुलिस का घेराव किया, नहीं, क्योंकि वहां न्याय हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि बलात्कार नहीं हो रहे हैं, बलात्कार तो हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, राजनीति तो आपने शुरू की थी, लंदन में 2018 में बलात्कार पे भाषण दिया, निर्भया पे चीख चीख कर वोट मांगा, नारा आप ही को का ही था, बहुत हुआ महिला पर वार, अब की बात मोदी सरकार, वार और मोदी सरकार में वोट मांगे, वोट आपको दिए, आप सत्ता में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश और देश में बन गई, लेकिन आप भूल गए अपने उस वायदे को, महिलाओं पे वार और आपका जो था उसको भूल गए आप। अगर हम आज सड़कों पर उतरकर उस दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़ा मतलब जो न्याय जिनसे दूर है, उनके लिए अगर आवाज उठाते और आपका दिया हुआ नारा, आपके किए हुए वायदे अगर आपको याद दिलाते हैं तो आप इसे राजनीति कहते हैं। तो राजनीति की शुरुआत तो आपने की थी ना, किसी के साथ भी हो सकता, मैं आपको बता रही हूं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो पिछड़ा हुआ है, हर चीज से बहुत दूर है, न्याय से, कानून से, पुलिस से, ये सबसे ज्यादा न्याय उसके साथ होता है। और अगर हम जो सशक्त लोग हैं उसकी आवाज नहीं बनेंगे तो बेटियों को इसी तरह नोचा जाएगा अगर आपने, हमने आवाज नहीं उठाई। हाथरस के मामले में भी, क्योंकि बलात्कार हर रोज हो रहे हैं, हर मिनट में हो रहे हैं, आपसे बात करते करते कहीं ना कहीं कोई बेटी बलात्कार का शिकार हो रही होगी, लेकिन हाथरस के मामले में हमें सड़कों पर आना क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरी भाजपा की सरकार, उसके सांसद पीड़िता के घर नहीं गए, ना पीड़िता के परिवार के साथ खड़े, उनका बयान बदलने का दबाव, बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है जबरन, परिवार यहां तक कहता है अस्थियां चुनकर विसर्जन नहीं किया, पता नहीं किसकी, क्या कौन था, हमें तो ये भी नहीं पता,
उसको गांव छोड़ने का, क्योंकि जो आरोपी है उसके परिवार वाले उसके घर के बाहर बैठ के पुलिस की उपस्थिति में धमकी दे रहे हैं। जो जो आरोपी उसका नाम भी संदीप बताया जा रहा है और लड़की के भाई का नाम भी संदीप है, तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा संदीप, हमारा संदीप, आरोपी के परिवार कहता है हमारा संदीप फांसी पे चढ़ गया तो तुम्हारा संदीप भी बचेगा नहीं। आप समझ रहे, खुलेआम सरेआम धमकियां दी जा रहे हैं, कोई खौफ कोई डर किसी के मन में। भाजपा के पूर्व नेता समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, पहले उन्नाव में समर्थन में रैली की, कठुआ में समर्थन में बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां की, उसके बाद आपने देखा कि उन्नाव का सांसद बलात्कारी को मिलने जाता है, आज हाथरस का सांसद मिलने गया है, कोई भी पीड़िता के परिवार को मिलने नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ ने आज जो मैं कहती हूँ वो शायद अपना मानसिक संतुलन अजीबिष्ट आप खो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश, बलात्कार उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बन गई। दिल्ली के दंगों का दोबारा बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हो सकता। मैं आपसे सवाल कर रही हूं, दिल्ली के चुनाव के परिणाम आए थे, सीए का प्रोटेस्ट पूरे भारत में शांतिपूर्वक बिना किसी भी हिंसा के चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है दिल्ली के अंदर? मैं नहीं कह रही, उठाइए ना अमित शाह गृह मंत्री करिए, पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास ये सारी जानकारी थी कि दिल्ली के दंगों को, सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए विदेशों से पैसा आ रहा है, ये उन्हें मालूम था, लेकिन कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो व्यस्त हो गए। कहां? वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर गुजरात में व्यस्त हो गए, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाई, और कार्रवाई नहीं हुई इसलिए वो दंगे हो गए। और एमनेस्टी इंडिया मानवाधिकार एक संस्था जो देश में बहुत सालों से काम कर रही है, उसकी गलती बस ये हुई मुझे लग रहा है कि जिसने एक रिपोर्ट जारी कर दी कि दिल्ली के अंदर 2020 के जो दंगे हैं वो सरकार और पुलिस की नाकामी का नतीजा है, क्योंकि इसका सारी सूचना जानकारी बहुत समय पहले रहते हुए गृह मंत्री जी अमित शाह जी के बयान के मुताबिक उनके पास थी। वो रोकना चाहते तो रोक सकते थे, पर उन्होंने रोकने की बजाय इसमें आग में घी डालने का काम किया, आप समझ रहे हैं। और उस एमनेस्टी इंडिया की रिपोर्ट के बाद कि जब वो बताती है सरकार और पुलिस इसमें दोषी थी, वो चाहते तो कार्रवाई करते तो दिल्ली दंगे रुक सकते थे, 50 लोगों की मौत से वो उन्हें बचा सकते थे, ये रिपोर्ट जारी की जो मोदी सरकार भाजपा को नागवारा गुजरी। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया एमनेस्टी इंडिया को, और उससे पहले 6 साल तक कभी कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लग रही थी। मालूम नहीं पीएम केयर फंड में शायद एमनेस्टी इंडिया ने फंड भी दिया हो, सरकार से भी फंड ले रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, पर गलती ये होगी 2020 में सरकार को और पुलिस को दोषी करार दे दिया, तब से उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया। और यहां तक शिकंजा कसा कि बौखलाहट इतनी हो गई कि योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं एमनेस्टी इंडिया जातीय दंगे हाथरस के इस केस के जो है आड़ में भड़काना चाहती थी, तो क्यों उसे 20 दिन तक आप इंतजार करते रहे, उन्हें यहां से चलता नहीं किया? उल्टा वो आपको एमनेस्टी इंडिया ठेंगा दिखाकर आपको आपको ठोकर मारकर अपना पैकअप करके यहां से सारे ऑपरेशन आजादी से चली गई। रोकना चाहिए था ना नीरव मोदी, महल चौकसी, नीरव ये सबको तो आपने आराम से पास दे दिया, बैठे हैं दूसरे देश में, तो एमनेस्टी तो रोकना चाहिए था ना, वो तो आपको ठोकर मारकर अपना पैकअप करके ऑपरेशन चली गई, भाड़ में जाओ आप। और आज उनके जाने के बाद आप उनकी 2020 दिल्ली दंगों की रिपोर्ट के बाद आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, रात रात में एक वेबसाइट खुली, वाह, अब सुनिएगा, रात रात में वेबसाइट खुली, वेबसाइट के अंदर जस्टिस फॉर हाथरस लिखा था, वाह ये तो बिल्कुल भड़काने वाली बात है, जस्टिस फॉर हाथरस लिखा था उस वेबसाइट में जिसको रात रात को खोल के बंद कर दिया गया। उसमें ये भी खुलासा था कि प्रोटेस्ट में हम कैसे कपड़े पहनकर आए, पोस्टर कौन सा लेकर आए, उसमें लाल मिर्ची पाउडर लिखा था, माय गॉड, ये खुलासा किया है दंगों की साजिश, पोस्टर, लाल मिर्ची पाउडर, वेबसाइट, और उसमें हाथरस, जस्टिस फॉर हाथरस लिखा था, दंगे भड़क सकते थे। आपको पता है आज अभी कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमलों में हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 3 गंभीर रूप से घायल हैं, दुआएं करते हैं उनके लिए। अगर इतनी मुस्तैदी पुलवामा में दिखाई होती, 350 किलो RDX लेकर
हमारे जवानों के काफिलों में वो घुस गए, 40 जवान शहीद हो गए, सरकार को पता तक नहीं लगा। और यहां पर रात को एक वेबसाइट खुलती है, लाल मिर्ची पाउडर और पोस्टर है उनके पास, आप समझ रहे हैं। आज का जो आतंकी हमले में हमारे दो जवान चले गए, खुफिया विभाग क्या कर रहा था कि उनके समझ नहीं आती कब आतंकी हमारे जवानों के काफिलों में घुसकर एक के बाद हमारे जवान शहीद कर रहे। लेकिन यहां पर इन्हें साजिश, अंतरराष्ट्रीय साजिश लगती है। सीए के प्रोटेस्ट को फिर शामिल किया जा रहा, इस्लामिक फंडिंग हो रही है, कार्रवाई, वेबसाइट, डॉक्टर काफिल खान सीए के प्रोटेस्ट में देशद्रोह के मुकदमों में जेल भेज दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, मुंह की खाई, आज वो आजाद है। ये इनकी साजिशें हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, इनसे सवाल करेगा, इनसे जवाब मांगेगा, उन सबको ये देशद्रोह के मामलों में या दंगे भड़काने के लिए साजिशें नाकाम की बकवासबाजी करेंगे, अपना निकम्मा नकारापन छुपाएंगे। अरे अजय बिष्ट, अपनी छवि की चिंता है, बेटियों की इज्जत की चिंता नहीं है? एक के बाद एक बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, बर्बरता से उन्हें मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। आपको बेटियों की इज्जत की चिंता नहीं, आपको अपनी छवि की चिंता है, सरकार को बदनाम करने के लिए, अजय बिष्ट की छवि बिगाड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। ये बलात्कार भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हो रहा है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। हिम्मत की दाद देती हूं उमा भारती जी, आईना दिखाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ को कि हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, डीएम, पुलिस प्रशासन सब अन्याय कर रहे हैं, दबा रहे हैं, आरोपियों के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, पुलिस पूरा संरक्षण और प्रोटेक्शन उन्हें दे रही है। ये तेरा राज्य, ये मेरा राज्य मैं नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं चार राज्यों में कांग्रेस की अपनी खुद की सरकार और मुख्यमंत्री है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पौंडेचेरी, चार राज्यों में। कहीं लगे आपको कि सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है, सरकार न्याय नहीं कर रही, एफआईआर नहीं कर रही, सुनवाई नहीं कर रही, या अलका लांबा आपके साथ चलेगी, आपके साथ चलेगी। जबकि यहां पर भाजपा विपक्ष में है, ये भाजपा से उम्मीद की जाती है, उतरी सड़कों पर अगर कांग्रेस की सरकारें न्याय नहीं कर रही, उतरी सड़कों पर अगर आप नहीं उतरेंगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मैं उतरने को तैयार हूं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, मंदिर पे शक, उत्तर प्रदेश में बना हो राम का, लेकिन राम राज कांग्रेस की सरकारों में है। मैं आप सभी से कहूंगी, खड़े रहिए इन गरीब मजदूर शोषित वर्ग के साथ, जिनसे आज भी न्याय कोसों दूर है, जिन्हें आज भी डराया, धमकाया, प्रताड़ित किया जा रहा है। मांग करिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, इवन कि ये मैं उनको भी कहूंगी जो आरोपी के परिवार है, जितनी उच्च स्तर पर जांच होगी उतनी निष्पक्ष जांच होगी, ये आपके लिए भी बेहतर है कि अगर परिवार कहता है कि पुलिस जांच नहीं करे, एसआईटी जांच ना करे, सीबीआई भी जांच ना करे, एक कोर्ट के जज के अधीन ये सारी जांच हो, तो ये उनके लिए भी, आरोपियों के परिवार के लिए भी अच्छा, जितनी ऊंची जांच होगी उतनी निष्पक्ष जांच होगी और जल्द जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा जहां पर भी है। अभी एक डिबेट में थी भाजपा की राजस्थान की पूर्व सांसद, अभी बता रहे हैं वो विधायक हैं, मीनाक्षी महेश्वरी शायद उनका नाम है, शर्म आती है, वीडियो शेयर किया मैंने उनका, नार्को टेस्ट, परिवार का नार्को टेस्ट, पीड़ित के परिवार का नार्को टेस्ट होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट क्यों चाहिए, उन्होंने कहा कि भाजपा को ये लगता है, उन्हें ये लगता है कि पीड़िता का परिवार ये सब झूठ बोल रहा है, मात्र बलात्कार के आरोप लगा के किसी को बदनाम करना चाहता है। बेटी हमारे बीच में से चली गई, हवस का शिकार बनाकर नोचा गया उसको, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसे लकवाग्रस्त कर दिया गया, आज वो हमारे बीच में चली गई, हमारे बीच में है ही नहीं, और आप कहते हो वो मात्र किसी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप बलात्कार के लगा रही, इसलिए नार्को टेस्ट पीड़ित परिवार का होना चाहिए। लाना तैयार, शर्म कीजिए आप। नार्को टेस्ट कराना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट का करवा लीजिए, कि किसने लखनऊ के सीएमओ से फोन करके डीएम को रात को 2:30 बजे बेटी का शव पेट्रोल डालकर फूकने के आदेश दिए थे, किसने परिवार को बंदी बनाकर छावनी बना दिया था कि कोई मीडिया, कोई वकील, कोई भी उनसे ना मिल पाए, कि सच्चाई ना बता पाए।
हर तरीके से उन्हें डराने धमकाने का, उन्हें प्रलोभन देने का कोशिश किया कि आप मकान ले लो, सरकारी नौकरी ले लो, पैसा ले लो, लेकिन खामोश रहो। लेकिन वो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, उन्हें वो सब चीजें नहीं चाहिए, वो कहते न्याय चाहिए। हमने कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से कहा है, चार जगह कांग्रेस की सरकार है, अगर पीड़िता के हाथरस की पीड़िता के परिवार को ये लगता है कि उन्हें पुलिस सरकार प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो उस परिवार से बात करिए, और उस परिवार की अगर सहमति हो तो उस परिवार को जब तक फैसला नहीं हो जाता, न्याय नहीं हो जाता, किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में पूरी सुरक्षा हिफाजत के साथ रखा जाए और उनकी लड़ाई न्याय की लड़ी जाए, क्योंकि वहां परिवार अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। उन्नाव की बेटी के साथ क्या नहीं हुआ, उसके पिता को न्याय मांगने गया था, उसके पिता को पुलिस हिरासत में पीट पीट के मार दिया गया, उसके चाचा का बेटी का एक्सीडेंट ट्रक से कराया गया, बेटी को जलाने की कोशिश की, उन्नाव की बेटी हमारी एम्स में तड़पती हुई पड़ी हुई रही। अभी पता लगा है उन्नाव की पीड़िता की के सगे भतीजे का अपहरण कर लिया गया है। कहीं ना कहीं दबाव है, खामोश रहिए, चुप रहिए, इस लड़ाई को यही खत्म कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए, लोगों को भूल जाने दीजिए, आप बोलते हैं तो ये वापस लोगों की याद ताजा हो जाती है। अगवा कर लिया गया है, एक 1,500 लोग सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ आ रही है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। आज कांग्रेस में मेरे पास कोई पद नहीं है, ना मैं विधायक हूं, ना मैं सांसद हूं, ना मैं पार्षद हूं, और कांग्रेस में कोई पद नहीं है, सिर्फ एक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य हूं। लेकिन 25 सालों से निर्भया से भी अगर आप देखेंगे, अलका लांबा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, अलका लांबा कांग्रेस में थी, लेकिन निर्भया के आंदोलन में सबसे आगे अगर पीठ पे लाठी खाई थी तो उसमें अलका लांबा भी शामिल थी। निर्भया के लिए अपनी ही सरकार के सामने अड़ी हुई लड़ रही थी मैं, आज भी उसके सारे सबूत हैं। लेकिन आज भाजपा की नेत्रियां, भाजपा के लोग, भाजपा के सांसद बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, उन्हें जेल में मिलने जाते हैं, उनके समर्थन में रैलियां करते हैं। मैं बस यही कहूंगी, शायद हो सकता है आज जैसे का सरहदों पर तनाव है, आतंकी हमले हम आज भी झेल रहे हैं, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, मुद्दे वो भी हैं। मुद्दा किसानों का है, राहुल गांधी जी पूरे पंजाब के दौरे पर हैं, किसानों से मिल रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये काला कानून, जो तीन कानून किसानों से जुड़े हुए और तीन कानून जो मजदूरों से जुड़े हुए, उन्हें हम निरस्त कर देंगे। और जहां हमारी सरकार है, सोनिया गांधी जी ने हमारी चारों सरकारों को और हमारे समर्थन से जो महाराष्ट्र झारखंड की सरकार है, उन्हें भी कहा है कि अपने विधानसभाओं में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव पारित करिए कि हम ये थोपा गया, तानाशाही से थोपा गया मजदूर और किसानों से जुड़े कानून को हम अपने यहाँ पर पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड में लागू नहीं करेंगे। यहाँ से राज्य पंजाब से होते हुए राहुल गांधी जी किसानों की, मजदूरों की आवाज को उठाते हुए हरियाणा पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री बौखलाहट में है, घबराहट हो रही है, कानून व्यवस्था की चिंता हो रही है, पूरा पंजाब घूम लिया, कुछ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं थी। उनका ये कहना है हम हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, हम यूपी में नहीं घुसने देंगे, हम आपको रैलियां नहीं करने देंगे, हम किसानों से मिलने नहीं देंगे, हम बात नहीं करने देंगे, ये क्या तानाशाही है, ये क्या तानाशाही है। अगर हरियाणा का किसान चाहेगा, जैसे पंजाब के किसान ने भरपूर समर्थन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को दिया है, उसी तरह अगर हरियाणा का किसान चाहेगा कि राहुल गांधी वहां आए तो राहुल गांधी वहां आएंगे, कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। किसान अगर कहेंगे कि उनके मुद्दों को उठाए, इस काले कानून को वापस लेने का दबाव कांग्रेस और राहुल गांधी जी बनाए तो वो बनाएंगे। खट्टर सरकार को कह रही हूं, रोक सको, दम हो तो रोको। उत्तर प्रदेश की अजय बिष्ट सरकार ने रोकना चाहा था राहुल गांधी जी को, लाठियां चलाई, धक्के दिए, सब कुछ कर लिया उन्होंने, 144 धारा लगा दी, ये भी कह दिया राहुल जी ने अकेले ले चलो, नहीं माने, दो दिन बाद वापस लौटे और बहुत मजबूत दीवार थी, मैंने लाइव किया, आप लोगों को दिखाया कि गोरखपुर हाथरस ना पहुंच पाए, इसके लिए इतनी मोटी दीवार पुलिस की प्रशासन की खड़ी कर दी गई थी, पर राहुल गांधी जी वहां पहुंचे, अपनी संवेदना प्रियंका गांधी जी ने परिवार के हाथ पकड़ के गले लगा, क्या और दे सकते हो आप और हम उन्हें,
उनकी आवाजें तो बन रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के, उन्हें गले लगा के, उनके आंसू पोंछ के, एक संवेदनशीलता तो दिखा पा रहे, उससे ज्यादा क्या करेंगे? क्योंकि सरकारें जिनकी है, कानून मुट्ठी में जिनके है, पुलिस प्रशासन, अब तो उनसे ही लड़ना है हमें कि न्याय दीजिए। मैं अपने साथियों को कहूंगी, जितने सवाल उठ रहे थे पूरी कोशिश की कि उसके जवाब मैं दे पाऊं, आवाज बुलंद करिए। बेटी के हाथरस की, उन्नाव की बेटियां पे खतरा परिवार पर बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर अजय बिष्ट, मैं आपसे कह रही हूं, मुख्यमंत्री हैं आप कह रहे हैं दंगे हो सकते हैं, आपको पता है? जब पूछा गया कैसे, तो छोटी सी वेबसाइट, उस वेबसाइट में जो है भड़काया जा रहा है, जस्टिस फॉर हाथरस लिखा जा रहा है, उसमें लाल मिर्ची पाउडर रखने को कहा जा रहा है, कोई RDX और AK-47 रखने की बात नहीं थी, इसमें से ही आप घबरा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगी, अपनी छवि की चिंता नहीं, बेटियों की इज्जत की चिंता कीजिए, बेटियों की इज्जत की चिंता करिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़िए। ये सब ढोंग बंद कर दीजिए। अगर आपके बस की नहीं है और कोई दंगे होते हैं, जिस तरह से बलात्कार आपके संरक्षण में हो रहे हैं, आपकी देखरेख में हो रहे हैं, आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, आप उन्हें पूरा प्रोटेक्शन संरक्षण दे रहे हैं और आपके DM पीड़िता के परिवार को धमकाते हैं, इसी तरह अगर दंगे हुए तो दंगाइयों के पीछे कोई और नहीं होगा, आपकी नाकामी, आपका नकारापन होगा और आपकी साजिश होगी, जिसको हम समय रहते पर्दाफाश कर रहे हैं कि ये सरकार स्पॉन्सर्ड सरकारी दंगे होंगे अगर हुए तो, और ये आपकी नाकामी नकारापन होंगे। अगर कुछ भी ऐसी हिंसा हुई तो आपको एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है, आपको अपनी कुर्सी छोड़कर, वो सही कह रहे हैं, मठ की तरफ रवाना हो जाइएगा। डरने वाले नहीं है, और नाव के बलात्कारी को बलात्कारी का तो अलका लांबा पर FIR कर दिया आपने, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, किस किस पे, 500 कार्यकर्ताओं पर FIR कर दिया, अब तो जो भी हाथरस जा रहा है उस पर FIR हो रही है, उसे दंगाई बताया जा रहा है। अरे बस करिए अपनी बकवास को, कोई डरने वाला आपसे है नहीं, न्याय के लिए तो हम लड़ेंगे, और अपनी बेटियों को कहीं भी देश के किसी भी कोने पर हो, न्याय तो दिलाकर रहेंगे। इस तरह से शोषित पीड़ित वर्ग को हम न्याय से दूर नहीं रखेंगे। पूरी उम्मीद है इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे संज्ञान ले रही है, हमारी नजर बनी हुई है, पल पल हम इस पे आवाज उठाए जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सब सड़कों पर ना उतरते तो ये मामला तो बहुत पहले ही ठंडा करके खत्म कर दिया गया था। इनको तो ये भी लग रहा था, जिस दिन बेटी ने दम तोड़ा, उस दिन रात को 2:30 बजे जिस दिन पेट्रोल डालकर परिवार की सहमति के बिना उसके फूंक दिया गया, इनको तो लग रहा था मामला बस खत्म हो जाएगा, फटाफट लाइए फूंक दीजिए, सुबह तक, सुबह का सूरज जो उगेगा सब ठंडा शांत हो चुका था। पर इनको नहीं मालूम था कि आग के साथ खेल रहे हैं, आपकी उसी एक कायर हरकत ने देश को जो है वो गुस्से में लाकर जो है आपसे जवाब मांगने शुरू किए हैं, और जवाब मांगे जाएंगे जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, बिना पीड़िता के परिवार को डराए धमकाए न्याय तक, चाहे वो बलरामपुर हो, हरदोई हो, बुलंदशहर हो, हाथरस हो, या देश की कहीं भी बेटियां हो, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है। जिनकी माँ बहन बेटियां घर में है, वो तसल्ली से जाकर सो जाइए, क्योंकि अभी जब तक हम जिंदा हैं हम लड़ रहे हैं, जिस दिन हम पर भी वार हो जाएगा तब आप सोच लीजिएगा अब आपकी लड़ाइयाँ कौन लड़ेगा, अब आपकी आवाज़ कौन उठाएगा। ये शुभकामना आप सभी के साथ है, बेहतर लगे इस आवाज़ को, अपनी आवाज़ बनाते हुए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये महसूस हो सके कि हम डर के घर नहीं बैठे हैं, हम हर उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ उस दूर दराज तक बैठे हुए गरीब शोषित पीड़ित तक पहुंचा रहे हैं, और उन्हें ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपके लिए, न्याय के लिए उठ रही आवाज़ें ये जिंदा हैं। जय हिंद, जय भारत।